मंत्री हाय 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 मंत्री मुर्दाबाद 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 गरीबों को सताने बंद करो बंद करो बंद करो पेट्रोलियम मंत्री हाय 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद 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 महंगाई बहुत बढ़ गया भैया लोग हम लोग गरीब आदमी हैं कहाँ से घर चलाएंगे कितना दिक्कत हो रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है कैसे घर चलाएंगे कैसे घर चलाएंगे पैसा ये नहीं है उतना पैसा गांव महंगा हो गया गैस तो कहाँ से उतना हम खर्चेंगे क्या चाहती है सरकार से क्या मांग है आपका वही गरीब महंगाई कम कीजिए गैस के दाम घटाइए तो गैस के दाम घटाइए जनता दल के द्वारा बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थ गैस मूल्य जो आज के समाचार पत्रों में 965 रुपए छपा है हम उस सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जिस समय जब यूपीए की सरकार थी तो कभी भी 450 से ज्यादा नहीं हुआ था मुझे याद है स्मरण है कि जब 2 रुपया 1 रुपया बढ़ते थे तो नरेंद्र मोदी विपक्ष बीजेपी एन कंपनी ने गैस सिलेंडर लेकर चूड़ी लेकर विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट में करते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 400 से नीचे दाम रखेंगे मगर आज 965 रुपया दाम हो गया सब्सिडी कुछ को पता ही नहीं कि कितना कब आएगा ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी है ये गरीब के प्रति किसी प्रकार का दया नहीं है ये गरीब जो महिलाएं जो अपने रसोई गैस रसोई घर जो चलाती है उनको आज अव्यवस्था झेलना पड़ रहा है आज 965 रुपया दाम हो गया हर चीज की महंगाई हो गई है महिलाओं को घर चलाना भी मुश्किल हो गया।